Welcome in your physics class. Today's topic is pressure of an ideal gas. दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सेस प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी समझेंगे. फ्रेंड्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर लर्निंग पर्पज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. मान लीजिए एक क्यूबिकल कंटेनर में हमने एन मोल ऑफ गैस ले ली. यदि साइड ऑफ क्यूब एल है तो क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होगा. और दोस्तों गैस का वॉल्यूम भी एल क्यूब ही होगा क्योंकि गैस ऑक्युपाइज कंप्लीट स्पेस विद इन द क्यूब. वॉल्स ऑफ क्यूब आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं. वो एक दूसरे से और वॉल्स से टकराते हैं. या इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो मान के चलिए क्योंकि ये आइडियल गैस का मामला है. जानते हैं ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है. नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करिए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होंगे और वो सिर्फ वॉल ऑफ बॉक्स पे ही कोलाइड होंगे. कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी वी अबाउट टू कोलाइड ऑन अपोजिट वॉल. ध्यान रहे यहाँ केटीजी के अनुसार कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक होगा. शेडेड वॉल ये वाईजेड प्लेन को पैरेलल है. मॉलिक्यूल के वेलोसिटी कंपोनेंट वेक्टर्स वी एक्स वी वाई और वी जेड है. मॉलिक्यूल शेडेड वॉल को हिट करते ही रिबाउंड होगा तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिवर्स हुआ और वाई और जेड कंपोनेंट अनचेंज्ड रहे. दस वाई एंड जेड कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉलिजन विद वॉल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सिर्फ एक्स कंपोनेंट के द्वारा होगा. So, change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. यहाँ final velocity negative है, इसीलिए momentum negative रहेगा. और initial velocity positive है, इसलिए momentum positive रहेगा. तो change in momentum मिलेगा minus twice mvx. Thus, momentum transferred to the wall is plus twice mvx. Okay. अब ये मॉलिक्यूल रिवर्स जाएगा, नेक्स्ट अपोजिट वॉल को हिट करेगा और फिर से शेडेड वॉल की तरफ रिबाउंड होगा फिर से कोलाइड होने के लिए. इस तरह मॉलिक्यूल वन शेडेड वॉल को हिट कर रहा है और मोमेंटम चेंज कर रहा है. यहाँ मॉलिक्यूल वन को ट्वाइसियल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वॉल को दोबारा हिट करने के लिए. तो Vx स्पीड से टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हुआ ट्वाइस एल अपॉन Vx. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल वन ऑन शेडेड वॉल इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो इसे मॉडिफाई करने पे मिलता एम बाय एल इंटू Vx वन स्क्वायर. यहाँ सफिक्स में वन एडिशनल लगाने का मतलब है मॉलिक्यूल वन के लिए मैं लिख रहा हूँ. नाउ कंसिडरिंग ऑल मॉलिक्यूल्स सो टोटल एवरेज फोर्स ऑन वॉल इज एम बाई एल टाइम्स वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन. देयरफॉर द एवरेज प्रेशर इज total average force acting on area of shaded wall. So it becomes m by l times vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dot dot so on divided by l square. So now the average pressure becomes m by l cube into vx1 square plus vx2 square plus so on. Now look at this bracketed quantity. इसे छोटा बनाने के लिए हम एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं विच इज गिवन बाय. सो मॉडिफाइंग दिस इक्वेशन वी गेट एन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट.
substituting this value of bracketed quantity in equation of average pressure. स्टेप को समझाने के लिए एवरेज प्रेशर का इक्वेशन मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ और जैसे सब्स्टिट्यूट करें लीजिए इक्वेशन बना. सो पी एवरेज इज इक्वल टू एम बाई एल क्यूब टाइम्स एन वी एक्स स्क्वायर. वी नो डैट वी बी द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड वी एक्स वी वाई वी जेड आर इट्स कंपोनेंट. सो बाय वेक्टर रूल हम स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं. बाय सिमेट्री ये सब इक्वल है तो इनके वैल्यू 1/3 ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी. दस एवरेज प्रेशर बिकम 1/3 ऑफ एन टाइम्स स्मॉल एम बार वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी. यहाँ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है तो nm का मतलब टोटल मास ऑफ गैस होता है एंड v इज वॉल्यूम. सो ये डेंसिटी बन जाता है. सो 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऐसा भी हम लिख सकते हैं. दोस्तों ये एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज प्रेशर हमने क्यूबिकल कंटेनर के लिए लिया है पर ये सभी शेप के कंटेनर के लिए लागू है. तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप. पसंद आया तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. बाय बाय.